बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एसएलएसएन, वेलकम टू 8 सोशल स्टडी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों हम जो है जियोग्राफी का यूनिट जो है 10 पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। आज इसका जो पेज नंबर है 82 ओपन कर लें, कंजर्विंग वाटर के बारे में आज पढ़ेंगे। Is there really a shortage of water on the earth? 70% of our planet is covered by oceans, but human needs fresh water to survive and the sources of fresh water are finite and threatened. इसमें बता रहे conservation जो है conserving water में really a shortage of water, जमीन में हम देखें तो shortage of water, पानी की shortage है, ठीक है। हकीकत में 70% हमारा जो सियारा है वो covered है उससे by ocean, समंदर से, ठीक है। बट लेकिन human जो life है उससे जरूरत किस चीज की है कि उसे ताजा पानी मिले उसे गुजारे के लिए, ठीक है। और ये सोर्स जो फ्रेश वाटर फिनिट एंड थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमके में, मतलब ये कि कहीं ये सोर्स जो है खत्म ना हो जाए, ये है इसके लिए थ्रेटन है। एंड द पॉपुलेशन ग्रो, जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो इंक्रीजेस, इस तरह जो है कुदरती वसाइल वो भी उनमें भी इजाफा हो रहा है। इन प्योर कंट्रीज इन पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज आर मोर क्विकली कंज्यूम्ड By increasing population, जिसकी वजह से क्या रहा है, जिस तरह की आबादी बढ़ रही है इसी तरह ये कुदरती वसाइल है वो भी तेजी से कम हो रहे हैं इस्तेमाल करने से। तहम इन प्लेसेस वेयर भी प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर जो सैनिटेशन पानी को जो इज नॉट अवेलेबल, सैनिटेशन जो है उनके साफ करने वाला कोई जो है अवेलेबल नहीं है जगहों में, द फ्रेश वाटर कैन बिकम कंटेमिनेटेड एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जिसकी वजह से वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिटर। आगे जो है बच्चों, हाउ द वर्ल्ड यूज फ्रेश वाटर, कि दुनिया में किस तरह यूजेस हो रहे हैं फ्रेश वाटर के, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि कितने परसेंट किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है इसका और कितने परसेंट जो है किस चीज में। इसमें 70% हम देखें तो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है और 22% इसका जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है और 8% जो इसका डोमेस्टिक यूज घरेलू इस्तेमाल में हो रहा है। नेक्स्ट पेज है बच्चे 83 पेज पे आए, द वर्ल्ड बैंक स्टैटिस्टिक्स शो दैट एज मेनी एज मिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू क्लीन वाटर, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर 2015 द वाटर फॉर लाइफ डिकेड, इट्स मेन गोल इज टू प्रमोट एफर्ट टू रिड्यूस बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन एंड अदर गोल फॉर ऑल कंट्रीज इज टू स्टॉप द एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स एंड डिवेलप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। इसमें बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक स्टेटिस्टिक शो कर रहा है कि मैनी जो है इसमें एज अ बिलियन पीपल जो है अरबों लोग जो है उनकी रसाई नहीं है साफ पानी की तरफ, ठीक है, कि उनकी पहुंच नहीं है, उनको पानी साफ नहीं मिला। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, डिक्लेयर किया 2005-50 में वाटर फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए मेन जो गोल है टू प्रमोट एफर्ट, तरक्की देना, ठीक है, कोशिशें करना, काम करने के हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, कि लोग जो है विदाउट एक्सेस टू सेव, बगैर जो है रसाई की टू सेव ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, कि उसको सेव करें जो पानी है, ठीक है, वो जाया ना करें, बेसिक जो इसकी सैनिटेशन है उसको वो यूज करें। एंड अदर गोल जो दूसरा है फॉर ऑल कंट्री टू स्टॉप द एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड टू डिवेलप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, मैनेजमेंट करें, डेवलप मतलब वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनके मकसद के तहत, ठीक है, ताकि इसके इस्तेमाल से जो व्यवसाय है इससे बचा जा सके। ये बच्चों हमारी जो रीडिंग है इसकी जो कंप्लीट हो गई है और क्वेश्चन आंसर भी हमने इसके किए थे। आगे इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, अपनी नोटबुक ओपन करें, मैं आपको वो कम्प्लीट करवा दें। सबसे पहले बच्चों आप मार्जिन लाइन लगाएं, मार्जिन लाइन लगाएं, ऊपर जो है यूनिट यूनिट का नाम लिखें, फिर एडिशनल क्वेश्चन आंसर की हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why is there shortest of water? SHORTIES, shortest of water, even though 70% of earth is made up of water. Answer likhe, most of it is sea water. Some
fresh water is contaminated. CONTIMINATED. Inefficient. INEFFICIENT. Water management. Next question is, what is the average of daily human consumption of water in the world? 417 million liters of water consumed by human in the world. कितना यूज हो रहा है दुनिया में इंसान यूज कर रहे हैं वो कितना बता रहे हैं 417 मिलियन लीटर. नेक्स्ट आ जाए. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर है 3. व्हाई इज द वाटर मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. आंसर लिखिए वाटर इज इंपोर्टेंट. Water is important source to sustain source S-O-U-R-C-E source to sustain all form of life. अब नीचे MCQs की heading दें. Number one, people who are trying to save the world from destruction by preserving and protecting its resource are called dash. Option A, conservationist. Option B, geologist. Option C, astronomers. Or D, option A, protector. Right option A, conservationist. Number two, we use dash of the total supply of fresh water for bathing and showering. S-H-A-W-A-R-I-N. Option A 20%, B option 27%, sorry B option is 30% hai, C option 27% or D option jo hai 35% hai. जो राइट ऑप्शन है बच्चों इसका वो सी है 27%. नेक्स्ट है नंबर 3. अ ड्रिपिंग टैप कैन वेस्ट डैश लीटर अ डे. ऑप्शन ए 180, बी ऑप्शन 200, सी ऑप्शन 250, डी ऑप्शन 380. Number 4, energy is obtained from dash. A option natural gas, B option fuel, C option coal, or D option none of these. Number 5, human needs dash water to survive. A option fresh water, sorry fresh just likhna hai, fresh, B polluted, C settled, और डी जो है सी. राइट ऑप्शन फ्रेश. फिलिंग द ब्लैंक्स. सेविंग ट्रीज इज डैश फॉर हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट. सेविंग ट्री saving tree is dash for health. H-E-A-L-T-H. Health of our planet. Dash में लिखे essential. E-S-S-E-N-T-I-A-L. Number 2 है deforestation is a major dash to the environment. Dash में लिखे threat. 3. Number coal, petroleum, natural gas
पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर डैश सोर्स ऑफ एनर्जी नन इसमें डैश में लिखे नन रिन्यूएबल नंबर फोर एवरी डे वी ड्रिंक अबाउट डैश मिलियन लीटर ऑफ वाटर ब्लैंक में लिखे 417 नंबर फाइव लेस देन डैश ऑफ द अर्थ वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन ब्लैंक में लिखे 1% नंबर सिक्स है एज द डैश ग्रोज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज also increases dash mein likhe population number 7 hai scarcity of resources can cause an dash in the ecosystem dash mein likhe imbalance ye bachcha hamara jo hai unit 10 jo hai complete ho gaya hai आज जो मैंने आपको काम करवाया है वो बच्चों आपने लिखना है ठीक है और इसे याद भी करना है अपना ख्याल रखिएगा।